हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कौशिक किचन पर। आज की रेसिपी है तिल गुड़ के लड्डू। ये लड्डू क्रंची और क्रिस्पी बनने वाले हैं। ये एकदम हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं तो हम लड्डू बनाने। ये लड्डू बनाने के लिए हमने एक कटोरी तिल के लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छे से साफ किया है। इनमें मिट्टी कंकर वगैरह होते हैं, तो इन्हें अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ कर लेना है। तो ये हमने अच्छे से साफ किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तिल को थोड़ा सा भून लेते हैं। ये हमने एक कढ़ाई को लिया और गैस पे रख दिया है। अब इसमें हम तिल डाल देंगे, जो कि हमने एक कटोरी तिल के लिए है। अब अच्छे से इन्हें रोस्ट कर लेंगे, चलाते हुए रोस्ट करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हो ये इनका कलर भी चेंज हो चुका है, यानी कि तिल अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर बदला है इनका। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम चाशनी बनाएंगे। ये एक चम्मच हमने घी का लिया है, देसी घी का। इसे अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये हमें मीडियम आंच पर ही रखना है। ये देखिए घी गर्म हो चुका है और इसमें हम गुड़ डालते हैं। एक कटोरी गुड़ के लिए हमने। अब अच्छे से मिला लेंगे घी के साथ गुड़ को और अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे से गुड़ मेल्ट हो चुका है और ऊपर भी कितने अच्छे झाग से बने हैं इसमें। तो इसे हमें चलाते रहना है और पकाते रहना है। ये देखिए गुड़ अच्छे से पक चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में पानी लेंगे और उस पानी में थोड़ा सा बैटर डालेंगे और अब ठंडा होने पर देख लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हो ये खींच रहा है अभी से, यानी बैटर अभी बना नहीं है ये। अब फिर से चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए फिर से पकाएंगे। अब फिर से चेक करेंगे। कटोरी में पानी लिया, उसमें हमने थोड़ा सा बैटर डाल दिया है और देख लेते हैं और साथ में इसे चलाते रहना है। ये देखिए एकदम अच्छे से टूट रहा है। ये देख सकते हो आप, एकदम अच्छा क्रिस्पी सा हो गया है। ये देखिए अब बैटर तैयार है एकदम। तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं और फिर से चला लेते हैं एक बार। अब इसमें हम ये एक चम्मच खाने वाला सोडा डालेंगे, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, और डालकर चला लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छे से फूल चुका है ये बैटर अब सोडा डालने के बाद। ये देखिए आप चलाते रहना थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हम तिल डाल देंगे, ये एक कटोरी तिल के हमने जो रोस्ट किया था। और तिल डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और ये फटाफट से मिला लेना है इसको गरम गरम में ही। और अब हम नीचे कढ़ाई को उतार लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने पर लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हल्का सा ठंडा हुआ है, तो इसी के हम लड्डू बनाएंगे फटाफट से, क्योंकि अगर बैटर ठंडा हो गया तो इसके लड्डू नहीं बनेंगे। अगर आपके घर में कोई और मेंबर है तो उसकी आप हेल्प ले सकते हो और फटाफट से लड्डू बना लीजिए। ये देखिए आप फटाफट से लड्डू बना रहे हैं। देखिए कितने अच्छे क्रंची से लड्डू बनेंगे ये, और आसान रेसिपी है ये बिल्कुल। ये देखिए दूसरे वाला लड्डू भी इसी तरह से बना लेंगे हम।
ये देख सकते हो आप कितना अच्छा लड्डू बना है, कितनी अच्छी शेप आई है। ये गरम गरम ही बनेंगे। अगर आपका बैटर ठंडा हो जाता है तो दोबारा से थोड़ा सा गरम कर लेना है उसको। ये देखिए हमने सभी लड्डुओं को बना लिया है। ये गुड़ तिल के लड्डू बहुत ही अच्छे और क्रंची बने हैं। ये आपके घर में सभी को पसंद आने वाले हैं, बच्चों को तो खासकर। ये ऐसी मिठाई है जो बाजार से लाते हैं हम। तो आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।